दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके मुंह में भी अपनी पसंदीदा खाने की चीज के बारे में सोचते ही पानी आने लगता होगा, या फिर कभी आपको जोरों की भूख लगी रही हो और आपके सामने का अगर कोई खाने की फोटो रख दी जाए तो भी मुंह में पानी आने लगता है। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि दांतों को चबाने और भोजन को पचाने में लार की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसे हम खाने के बारे में सोचते हैं या फिर उसे देखते हैं तो हमारा दिमाग सिग्नल भेजने लगता है, और इसलिए हमारा दिमाग हमारे मुंह के अंदर सलाइवा ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे मुंह में पानी आने लगता है, जिसे सलाइवा भी कहते हैं। दिमाग ये सब भोजन को सोचने मात्र से करने लगता है और दोस्तों हमारे मुंह में भोजन को पचाने के लिए लार बनाने लगता है। लार 99.5% पानी और 0.5% प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और लिपिड, मतलब कि प्राकृतिक अणु का एक समूह होता है। भोजन की गंध से भी दिमाग सिग्नल भेजता है और मुंह में पानी आने लगता है। दोस्तों ठीक उसी तरह जब हमें छींक आने वाली होती है तब भी हमारी आंखें बंद हो जाती है, ये भी हमारे दिमाग के प्रतिक्रिया करने के फलस्वरूप ही होता है। तब आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे मुंह में खाने के बारे में सोचते ही पानी क्यों आता है। दोस्तों ऐसी अमेजिंग फैक्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।